नमस्कार, आप देख रहे हैं खास खबर। मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। चलिए नजर डाल लेते हैं खास खबरों पर। कृषि कानून के विरोध में सिंधु, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार किसान जमे हुए हैं। किसानों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ वार्ता के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। हालांकि पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए यूपी गेट पर बैरिकेड लगा दिए हैं। किसानों के प्रदर्शन के बाद सरकार ने कोरोना के मद्देनजर दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर किसानों के लिए कोविड टेस्टिंग के कैंप लगाए हैं, जहां प्रदर्शनकारी किसानों की टेस्टिंग हो रही है। जहां किसान प्रदर्शन पर उतारू हैं, वहीं इस पर सियासत भी जमकर हो रही है। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने किसान आंदोलन पर कहा है कि किसान आंदोलन दुनिया को एक बड़ा संदेश देते हैं। लाखों करोड़ों किसान दिल्ली की सीमा पर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आप उन्हें आतंकवादी, खालिस्तानी बोल रहे हो। ये पूरे विश्व के किसानों का अपमान है। उधर किसान प्रदर्शन को लेकर प्रियंका गांधी ने भी मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, नाम किसान कानून, लेकिन सारा फायदा अरबपतियों को। कानून बिना किसानों से बात किए कैसे बन सकते हैं? उनमें किसानों के हितों की अनदेखी कैसे की जा सकती है? सरकार को किसानों की बात सुननी होगी। आइए मिलकर किसानों के समर्थन में आवाज उठाएं। कृषि कानून के विरोध में जारी किसानों के प्रदर्शन पर सरकार की ओर से किसानों को बातचीत का न्योता दिया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर समेत अन्य नेताओं ने ट्वीट कर कृषि कानून के बारे में जानकारी दी। किसान के प्रदर्शन को लेकर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट कर लिखा, नए कृषि कानून एपीएमसी मंडियों को समाप्त नहीं करते हैं। मंडियां पहले की तरह चलती रहेंगी। नए कानून ने किसानों को अपनी फसल कहीं भी बेचने के लिए आजादी दी है। जो भी किसानों को अच्छे दाम देगा वो फसल खरीद पाएगा, चाहे वो मंडी हो या फिर मंडी के बाहर। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट कर लिखा कि कृषि कानून पर गलतफहमी ना रखें। पंजाब के किसानों ने पिछले साल से ज्यादा धान मंडी में बेचे और ज्यादा एमएसपी पर बेचे। एमएसपी भी जीवित है और मंडी भी जीवित है और सरकार खरीद भी रही है। अगली खबर पाकिस्तान से है, जिसमें पाकिस्तान की एक बार फिर किरकिरी हुई। 5 अगस्त 2020 को भारत ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किया। तब से ही पाकिस्तान मुस्लिम देशों के संगठन ओआईसी से विदेश मंत्रियों की बैठक की मांग कर रहा था। ओआईसी ने पाकिस्तान की एक नहीं सुनी। पाकिस्तान से शाह महमूद कुरैशी ने इसी साल अगस्त में कह दिया था कि अगर सऊदी अरब उनकी बात नहीं सुनेगा तो ओआईसी से अलग कश्मीर का मुद्दा उठाएगा और बाकी मुस्लिम देशों को एकजुट करेगा। सऊदी को पाकिस्तानी विदेश मंत्री का बयान बहुत बुरा लगा, जिसके चलते उसने पाकिस्तान से अपने कर्ज को लौटाने की मांग की। हालांकि पाकिस्तान को बाद में लगा कि उसने सऊदी के खिलाफ बोलकर गलती कर दी, जिसके बाद वह उसे मनाने में लग गया, लेकिन बात तब तक हाथ से निकल चुकी थी। खास खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।